बीते दिवस शहर में दहशतगर्दी फैलाने वाले दो युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मारपीट का बदला लेने युवक को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारे गए थे चाकू। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया चाकू। घटना के बाद रेलवे ओवरब्रिज के पास फेंक कर हो गए थे फरार। आपको बता दें कि मारपीट का बदला लेने के लिए आरोपी ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया था। ये घटना रानी तलाव निवासी विशाल शिल्पकार बीते दिवस किसी काम से जा रहा था, तभी युवक बड़ी पुल स्थित कब्रिस्तान के पास पहुंचा था तो सोहेल खान, अमन एवं दो अन्य लोग मिलकर गए और आरोपियों ने युवक को रोक लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी थी। जान बचाने के लिए भागा तो पीछा कर चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना में आरोपियों ने 20 बार चाकू से किए थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उसे घटनास्थल से अस्पताल पहुंचाया गया था। बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने एक टीम तैयार की, जिसके बाद मुखबिर से मिली सूचना के बाद दोनों मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी निशानदेही पर आज पुलिस उन्हें घटनास्थल लेके पहुँची और फिर आरोपियों की निशानदेही से रेलवे ओवरब्रिज के पास फेंके गए चाकू को बरामद कर लिया गया है। क्या है मामला जी? कल एक बड़ी पुल के पास कब्रिस्तान के पास एक चाकूबाजी घटना हुई थी, जिस पर जो है आरोपियों के विरुद्ध जो है 109 भारतीय न्याय संहिता का अपराध कायम किया गया था। इसमें आरोपियों को भी हमने अभिरक्षा में लिया है और उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए इधर आए थे। क्या हथियार चाकू बरामद हुआ, कौन आरोपी पकड़े गए? आरोपी एक अमन शोंधिया और सोहेल। चाकू बरामद हो गया? हाँ, जो घटना में प्रयुक्त है हथियार था उसको हमने भी बरामद किया।